जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स की, आज हम बात करेंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स की, आज हम बात करेंगे उन डिफेंस एस्पिरेंट की जिनका सपना होता है अफसर बनना। तो उन सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेटा अगर अफसर बनना है तो आपको इस रास्ते से गुजरना होगा। वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है एसएसबी बोर्ड का, सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स का। यानी कि आपको एसएसबी बोर्ड पे जाना होगा, रिपोर्ट करना होगा, आपको स्क्रीनिंग करनी होगी, आपको रेकमेंड होना होगा और मेडिकली फिट होना होगा, तो आप क्या है भारतीय सेनाओं का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अभी क्या है, हालांकि जो बच्चे प्रिपेयर कर चुके हैं अपने आप को, 1-8 साल हो चुका है, समय बीत चुका है, फ्रेशर नहीं है, उनको तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, लेकिन जो भी आने वाले बच्चे हैं, जो भी यूथ है हमारा, जो भी अवेयर नहीं है, ठीक है, या आप अगर 1 साल से तैयारी कर रहे हो और आपको नहीं पता है, तो डोंट वरी, हम बताने वाले हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए कहाँ कहाँ पर सिलेक्शन सेंटर्स हैं। बेटा आज हम इनकी बात करेंगे, आज हम आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड की बात करेंगे, आज हम नेवी के सिलेक्शन बोर्ड की बात करेंगे और हम एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड की बात करेंगे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स आर्मी नेवी एयरफोर्स को बता रहे हैं, पूरी फुल डिटेल्ड होगी, आप हर एक पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ईच एंड एवरी टीनी डिटेल्स जो वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी बेटा, और आप अपने पास उसको रख सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकें, ठीक है। क्योंकि चीजें अगर क्लियर होती हैं, अगर हमें आगे तक सब कुछ क्लियर रहता है, तो हम उसी अकॉर्डिंग क्या होता है अपनी तैयारियों को अंजाम देते हैं। तो आज हम बात करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की। अगर आपका सपना भारतीय सेना में जाना है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है और दुश्मनों के दांत खट्टे करने हैं, अगर आपको फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर काम करना है, तो इंडियन आर्मी आपका स्वागत करती है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक सिलेक्शन सेंटर की अगर हम बात करें, तो सिलेक्शन सेंटर ईस्ट जो है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में बेटा, ठीक है, यहाँ पर 1957 में जो है ये सिलेक्शन सेंटर क्या हुआ था, ये एस्टैब्लिश किया गया था। इस सिलेक्शन सेंटर को 1957 में बनाया गया था। यहाँ पर 5 बोर्ड्स अवेलेबल है, यानी कि एक सिलेक्शन सेंटर में 5 काउंटर बनाए गए, उसको ऐसे समझिएगा, यहाँ भी एसएसबी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यानी कि कुल 5 एसएसबी बोर्ड है यहाँ पर, 11 एसएसबी, 14 एसएसबी, 18 एसएसबी, 19 एसएसबी एंड 34 एसएसबी। 5 सिलेक्शन बोर्ड, 5 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन अ पर्टिकुलर सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, 5 सिलेक्शन सेंटर है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। एड्रेस, मेल, फोन नंबर, सारी चीजें मेंशन है बेटा यहाँ पर, आपको भटकने की कतई जरूरत नहीं है, आप वीडियो से सारी चीजें निकाल सकते हैं हमारे। दूसरे नंबर पर बारी आती है किसकी, भोपाल की, सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल। सेंट्रल सिलेक्शन सेंटर की अगर बात करें तो भोपाल में स्थित है। पहले ये कहां पर हुआ करता था, पहले ये बेटा जबलपुर में हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे शिफ्ट कर दिया यहाँ पर भोपाल में। भोपाल वाले बच्चे, जो बच्चा भोपाल में जाएगा वो प्रिपेयर रहे। ये जो इमेजेस आप इधर देख रहे हैं, दे आर द एक्चुअल इमेजेस ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो अवेलेबल है, वो हमने दिखाना चाहते हैं कि भैया देखिए यहीं पर आपको क्या है इंटरव्यू देने जाना है बेटा। तो इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1975, ठीक है, और यहाँ पर 20th SSB एंड 33 SSB जो है बोर्ड बनाए गए हैं, और एक 21 SSB और 22 SSB बनाया गया है। नेक्स्ट है सर्विस सिलेक्शन सेंटर साउथ यानी बैंगलोर। बैंगलोर SSB की अगर हम बात करें, तो बैंगलोर SSB 1949 में एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, 2 SSB बोर्ड्स आर देयर, ठीक है, 24 एंड 17 SSB वहां पर है। एंड फिफ्थ, फोर्थ वन इज कपूरथला सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ पर 31 और 32 SSB, 2 SSB बोर्ड यहाँ पर बनाए गए हैं बेटा कपूरथला में। तो ये आपने देखा कि 4 सिलेक्शन सेंटर क्या है, वो किसके हैं बेटा, वो 4 सिलेक्शन सेंटर आर्मी के हैं। यानी कि अगर आपका सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, तो इन 4 में से किसी एक जगहों पर आप क्या है, आपको SSB देने का मौका मिल सकता है, अगर आपने रिटर्न क्लियर किया और वहां तक पहुंचते हैं आप। तो उसमें क्या हो गया, इलाहाबाद, बैंगलोर, भोपाल एंड कपूरथला, ध्यान रखिएगा दिमाग में, इलाहाबाद, बैंगलोर, भोपाल एंड कपूरथला। नेक्स्ट हम AFSB की बात करेंगे, एयरफोर्स में, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है उसको, AFSB शॉर्ट फॉर्म में हम प्रयोग करते हैं। किस AFSB में है, तो 1 AFSB आपका जो है देहरादून में है, 2 AFSB मैसूर यानी कि जो है कर्नाटका में है, 3 AFSB आपका जो है गुजरात गांधीनगर में है, 4 AFSB आपका वाराणसी में है, ठीक, उत्तर प्रदेश में, एंड 5 AFSB आपका गुवाहाटी यानी असम में है। तो
तो ये 5 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स हैं जहां पर आप जा करके क्या है अपने एयरफोर्स के सपने को पूरा कर सकते हैं। और सामान्यतः सभी बच्चों का जो सपना होता है वो हवा की रफ्तार, हवा से भी तेज आगे चलने का, अपने एयरक्राफ्ट को, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने का। तो आप इन सिलेक्शन सेंटर्स के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, आपके सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। SSB की तैयारी, FSB की तैयारी पूरी ईमानदारी से करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका सपना अपना है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिनका सपना है समुंदर की लहरों से जो है मैं गोते लगा, समुंदर की लहरों से लड़ना, जिनका सपना है समुंदर की गहराइयों में जाना, तो वो नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है नेवी में एक्सप्लोर करने की आपके पास, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल आर्म्स, ठीक है, नेवी भी है जिसमें आपका क्या है NSB है, जहां पर नेवल सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है, वहां पर AFSB कहा जाता है, यहाँ पर NSB कहा जाता है। दैट मीन्स नेवल सिलेक्शन बोर्ड, नेवल सिलेक्शन बोर्ड कोयम्बटूर पे है बेटा, एंड 12th SSB एट सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल बैंगलोर में। बैंगलोर में भी जो है आर्मी के अलावा बेटा वहां नेवी के बोर्ड है, एंड भोपाल में भी 33 SSB जो है वो नेवी का बोर्ड है, एंड कोलकाता ये आपका जो है स्पेसिफिकली सिर्फ नेवी का बोर्ड है, एंड विशाखापट्टनम यानी वाइजैक, ठीक है, ये भी आपका क्या है नेवी का सिलेक्शन सेंटर है। तो सारे बच्चे ये है आपके सिलेक्शन सेंटर्स, ठीक है ना। आपको अगर आपका सपना आर्मी है तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मुझे भैया इतने सारे बोर्ड्स में क्या करना है, इन इन बोर्ड्स में ही हम जा सकते हैं। अगर आपका सपना नेवी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप इन सिलेक्शन सेंटर्स में जा सकते हैं, और आपका सपना है कि आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपको अपने रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस ऐसे पूछे भी जा सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू की भैया सिलेक्शन सेंटर कहाँ पर है अदर वाला। ये सब डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते बेटा ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी के पास प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है वो आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा है तो बेटा आप इस वीडियो को खूब ढेर सारा शेयर करें, ताकि जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है उनको अपने सभी सिलेक्शन सेंटर्स के बारे में पता हो पाए, ताकि वे इधर उधर भटके ना, पता करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें कहाँ से पता चलेगा कितने सिलेक्शन सेंटर्स हैं, कितने बोर्ड्स हैं। तो इस वीडियोस में जो भी स्लाइड्स आपको दिखाई गई वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है, ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्स फॉर SSB बोर्ड, ठीक है बेटा। ओके, जय हिंद, जय भारत।